Do you have any regrets? Yes. सकीना को अपनाने से मुझे कतराना नहीं चाहिए था। और उसी जमाने में उन्होंने गाना भी छोड़ दिया। हाँ, इसी के आसपास छोड़ा नहीं, कम कर दिया। वो अपने आप में सिमटने लगी और मैं भी उनकी मदद नहीं कर सका। मगर आप तो एक बड़ी म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारे कंपनी के लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। सरदारी बेगम एक टूटे हुए तारे की तरह आसमान में भड़क कर बुझ गई। इस बात का मुझे बहुत दुख है। मौलवी साहब, फूफी की मौत का ताल्लुक उस फसाद से तो नहीं था? तौबा कीजिए मोहतरमा, पॉलिटिक्स से वो मीलों दूर भागती थी। उनका तो सिर्फ एक शगल था, अपनी बेटी को पक्का गाना सिखाना। वैसे आखिरी दिनों में उन्होंने शादी के कुछ रिश्ते भी तय करना शुरू कर दिए थे, ये एक वजह हो सकती है शायद। अल्लाह के घर आपको बहुत सवाब मिलेगा, सारे मोहल्ले की बेलौस खिदमत करती रही है। मगर सकीना के बारे में जरा सोचिए, कल ही अशफाकुल्ला साहब एक रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। सकीना को मौसीकी से कहां फुर्सत, वही उसका ओढ़ना बिछौना, अब शादी करके क्या करेगी? कुरान शरीफ में हिदायत है कि शादी हर एक इंसान के लिए फर्ज है, और एक जवान औरत के साथ इस तरह का बर्ताव क्या जायज है? हेलो, मैं भी कौन सी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे लिए भी कोई रिश्ता ले आते। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं आप। दुल्हा दुल्हन आ गए, ये मोहन है, आदाब, और ये कुलसुम। आदाब। जीती रहो मौलवी साहब, अब आप झटपट निकाह पढ़ दें। नजराना लाए हो? जी, ज्यादा नहीं है। जितना भी हो। बेगम साहिबा, ये निकाह कैसे हो सकता है, लड़का हमारे मजहब का नहीं है। मैं कुलसुम के लिए अपना धर्म बदलने को तैयार हूँ। दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी? ये मुनासिब नहीं है बेगम साहिबा, बाद में तकलीफ होगी। अरे, मेरे होते हुए कोई ने छू भी नहीं सकता, मैं एक फूक मारूंगी ना तो सब बिगड़ जाएंगे। रफीक मियां, जरा तशरीफ लाए। ये लड़के की तरफ से गवाह है और ये लड़की की तरफ से। फतेह खान साहब, आप बहेलसे थे वकील, तशरीफ ले आइए। अरे क्या हो रहा है यहाँ? अरे सरदारी बेगम, तुमको किसने कहा ये सब कराने के लिए? अरे निकाह कराने की जुर्रत कैसी हुई तुम्हारी? ए, उठ यहाँ से। बढ़िया है निकाह कराने वाली। रुक जा, छोड़ दो इसे, खबरदार जो हाथ लगाया। ये इसका निजी मामला है, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? लड़की बालिग है, बच्ची नहीं। अरे वाह, अरे क्या कहा, मेरी बच्ची है, मैं फैसला नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तू चल यहाँ से, तेरी तरह टांगे तोड़ के। वालदैन को बच्चों पर अपना फैसला थोपने का कोई हक नहीं पहुँचता। अरे हर रात और कहीं की जबान लड़ाती है, एक तो सारा फजीता खड़ा कर दिया, ऊपर से लिखते पिला रही है। अरे तुम चल, तेरे को जा निकाल के घर पे, चल तो सही, मेरे से संभव हद कहीं की। फिर क्या था, तनाव बढ़ता ही गया, पॉलिटिशियन ने भी इस बात को खूब उछाला। तो फसाद की जड़ वो शादी थी, ये कहना तो मुश्किल है। हाँ, अगर चुनाव के दिन न होते तो बात खुद ब खुद ठंडी पड़ जाती। इस तरह की शादियां होती रही है, माँ बाप राजी न हो तो झगड़े भी हुए हैं, लेकिन ये बात इतनी आगे बढ़ी उसकी वजह इलेक्शन, ये मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, खुदा हाफिज़। फी अमानुल्लाह। सकीना बीबी हैं? जी हैं, आप ऊपर जाइए। इधर जी। आदाब सकीना बाजी। आदाब। मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। अपनी माँ के बारे में आप कुछ तो कह सकती हैं। जो हमारे बीच में था वो हमारे आपस की बात थी, आपको इससे क्या लेना देना। इस मामले को लेकर आप इतने टची क्यों हैं? क्या आप दोनों के बीच बनती नहीं थी? आजकल तो सभी के यहाँ यही होता है, जैसे कि मैं और मेरे अब्बा।
इन दिनों तो हमारे बीच बातचीत तक बंद है। पर जब बार मामू तो बहुत नरमिजाज आदमी है। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं समझना चाहते। क्यों? ऐसा है, हमारे अखबार के जो एडिटर है ना, वो और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन अब्बा को ये बात कतई पसंद नहीं। अच्छा। वो शादीशुदा है और अब्बा को ये यकीन हो गया है कि वो अपने बीवी बच्चों को कभी नहीं छोड़ेंगे और मैं यूं ही कुंवारी बैठी रहूंगी। और उनका खर्चा सच है? पता नहीं, मैं भी काफी अहमक हूं। I'm such a fool. अरे ये क्या हो गया? अगर आप कहें तो मैं चली जाती हूं। कुछ नहीं, तुम रुको। जानती हो, मेरी माँ ने भी मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं क्या चाहती हूँ ये तो कभी सोचा भी नहीं। उनके पास उनकी मौसी की किसी और था ही क्या? कुछ नहीं। सकीना प्लीज, तुम मत रो। देखो ये सब हमारी वजह से हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लीज प्लीज, छोड़ दो इसे, जाओ यहां से। एक शाम के लिए काफी नुकसान कर चुके हो। माफी चाहता हूं, हमने अपनी तरफ से पूरा इंतजाम किया था, मगर आपने वादा किया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दरअसल आपके चाहने वाले बहुत उतावले हो रहे थे। बात ही नहीं कि सकीना जी अच्छा नहीं गाती, ये वाकई बहुत अच्छा गाती हैं, मगर बस बस बहुत हो चुका। हम आज की तौहीन आसानी से भूलने वाले नहीं। इतनी अच्छी शुरुआत की, फिर बीच में जाकर तुम बहक गई। मैं नर्वस हो गई थी आपा भी, मेरी आवाज महफिल में गाने लायक है ही नहीं। मैं आप जैसी नहीं हूं, अब से मैं गाना नहीं गाऊंगी, हरगिज नहीं। नहीं बेटा, एक छोटे से हादसे की वजह से दिल छोटा नहीं करते। आदाब अर्ज़ है, मुझे क्या अंदर आने की इजाजत है? तुम्हारी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? इस बिचारी को तुमने कितना जलील करवाया है, सारा कैरियर तबाह कर डाला। आपसे ज्यादा मुझे इस बात का दुख है। मैं जानता हूं आप समझती होंगी कि मैं गधा और पाजी किस्म का इंसान हूं, मगर ऐसा नहीं है। आप यकीन मानिए, मैं भी एक आर्टिस्ट हूं, कवि हूं, शेर भी कहता हूं। सकीना जी पर क्या गुजर रही होगी अच्छी तरह समझता हूं। आप यहां से तशरीफ ले जाइए। सकीना को ना तो आप में और ना ही आपकी शायरी में कोई दिलचस्पी है। मैं नहीं चाहती कि आप जैसे खाली दिमाग नौजवानों की वजह से सकीना की तवज्जो मौसीकी से हट जाए। जाइए। सकीना, तुम मुझसे खफा हो गई है ना? बेटे तुम तो जानती हो मैं तुम्हारा भला चाहती हूं, और मौसीकी की तासीर ऐसे दिल से निकलती है जो पाक साफ हो। इसके लिए तुम्हारा जहन भी एक ही नुक्ते पर टिका रहना बहुत जरूरी है। आमोद को आइंदा मैं यहां नहीं आने दूंगी। फिर क्या अमोद ने भी तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की? वो तो मुझे यहां से ले जाना चाहता था, मगर मैं कैसे जाती, मजबूर थी। मुझे हर रोज एक खत लिखा करता। अम्मा को पता चला तो बिना देखे ही खत फाड़ कर फेंक दिया करती। उसके बाद मेरे मर्दों की तरफ आंख उठाना ही बंद कर दिया। जान गई कि शायद ये खुशी मेरी जिंदगी में नहीं। मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहती थी। क्यों नहीं? तुम अब तक जिन जिन लोगों से मिली हो सबने सरदारी बेगम की बहुत तारीफें की होंगी,
लेकिन जिस सरदारी बेगम को मैं जानती थी वो अपनी शोहरत कब की खो चुकी थी। अपने आखिरी दिनों में शादी के रिश्ते पक्का कर करके घर चलाया करती, मगर उनका गुरूर बरकरार था। बहुत इतरा कर कहती, मुझ जैसी ठुमरी सिंगर तो अब कोई है ही नहीं। और जाहिर है मेरे जीने का भी एक ही मकसद था, एक और सरदारी बनना। किसी ने पूछा भी नहीं, सकीना तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? वो तुम्हारा भला चाहती थी, सभी माँ बाप यही चाहते हैं। तहसीब, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो, मामूजान ने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला है। वो जब भी यहां आते तुम्हारी ही बातें किया करते। एक बार अम्मी ने तुम्हारी तालीम के लिए कुछ रुपए दिए थे, मामूजान वो लौटाना चाहते थे। इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ। चप्पार, वो तो मेरी तरफ से तोहफा था। नहीं आपा, कर्ज था, मुझे अच्छी तरह से याद है, कर्ज था। ये क्या कर्ज कर्ज की रट लगाए हुए हो? भाई बहन में कैसा लेन देन? जो कुछ मेरा है वो क्या तुम्हारा नहीं है? मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ आपा। तो क्या मैं हराम की खाती हूँ? तुम्हारे लिए तो मैं गाना गाकर नहीं, बदन बेचकर कमाती हूँ। रख लो अपने पैसे वापस, मुझे नहीं दरकार। आपा खुदा के वास्ते मुझे इस तरह से ताने मत दीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप लीजिए अपने पैसे। रख लो इन्हें, वरना चूल्हे में झोंक दूंगी। और तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से, ना तुम्हारी सूरत देखनी है ना तुम्हारे पैसे। ठीक है, जा रहा हूँ, ये रहे आपके पैसे। मुझे भी आपकी सूरत इतनी अच्छी नहीं लगती है कि बार बार यहाँ आकर आपके हॉल फॉल सुनता रहूं। हाँ हाँ जाओ, कौन परवाह करता है।